शीतलहर के चलते इन दिनों निमाड़ में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। घने कोहरे के बीच विजिबिलिटी भी 3 मीटर से भी कम हो गई है कि क्रिकेट फुटबॉल खिलाड़ियों को बॉल तक दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर स्लो स्पीड में सफर करना पड़ रहा है और दुर्घटना की संभावना लोगों को भयभीत कर रही है। खासकर मॉर्निंग वॉक करने वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि शीत को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव करके सुबह 10 बजे कर दिया है, जिससे सामान्य जनजीवन काफी प्रभावित हो चला है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। विजिबिलिटी बहुत कम हो रही है, पूरा कोहरा छा रहा है। हम फुटबॉल ग्राउंड पे आते हैं तो यहाँ पर कुछ भी 10 मीटर दिखाई देता है। कोहरा ज्यादा है और हम फुटबॉल खेलते हैं तो हमको बॉल भी नहीं दिखती है। जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं फुटबॉल ग्राउंड के आने के लिए तो बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोहरा बहुत छा गया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम आकृति खेड़कर है। ठीक है, कोहरा ज्यादा दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा कोहरा हो गया है और शीतलहर बहुत बढ़ गई है। ठंड भी आज ज्यादा लग रही है। सुबह जो भी लोग घूमने आ रहे हैं शॉल वगैरह पहन के आ रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म कपड़े पहन के आ रहे हैं, अलाव वगैरह जला रहे हैं हम लोग। और आज तो बहुत ज़्यादा कोहरा हो गया, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। दूर बॉल जा रही है, बॉल भी नहीं दिख रही और लोग भी नहीं दिख रहे दूर के। कोहरा बहुत ज़्यादा है और ठंड भी बहुत लग रही है। क्या नाम? वेदिका पाटिल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।